नमस्कार, 9 दिन में 90 से अधिक फ्लाइट्स को बम्स उड़ाने की धमकी, एयरलाइन कंपनियों को हुआ 600 करोड़ का नुकसान। BRICS को 2024 भारत और चीन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता, पीएम मोदी से मिलेंगे शी जिनपिंग। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। बक्सर JPC मीटिंग में बोतल तोड़ने वाले TMC सांसद पर एक्शन, हुए सस्पेंड। चीन के बाद पाक से गुड न्यूज, करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौता और 5 साल बढ़ा। बांग्लादेश जन आक्रोश, बंग भवन घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों पुलिस की झड़प, कई घायल, राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगा। जम्मू कश्मीर आतंकी हमला, LG मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा के दिए निर्देश। गंदेरबल हमले के बाद कश्मीर में गैर स्थायी श्रमिकों के पलायन के महबूबा मुफ्ती के दावे को अधिकारियों ने किया खारिज। सीकर में बड़ा हादसा, सीवर से टैंक की सफाई करते 3 मजदूरों की मौत। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन, तहरीक ए लवैत के ठिकानों पर छापेमारी। हिजबुल्ला चीफ नरसल्ला का उत्तराधिकारी मारा गया, 19 दिन बाद इजराइल का खुलासा, ये था हाजिम सफीद्दीन। महाराष्ट्र चुनाव शिवसेना में 45 सीटों पर जारी की लिस्ट, कोपरी 5 पगाड़ी में लड़ेंगे सीएम शिंदे। दिनेश मिश्रा की सियासत ने हरियाणा को चौंकाया, चुनाव से पहले हुड्डा ग्रुप संग थे, अब कुमारी सैलजा के साथ नजर आए। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत अध्यक्ष होंगे, डॉक्टर्स की तरफ से 2 प्रतिनिधि का भी हिस्सा होंगे। वॉइस ऑफ 24 मीडिया, अनु त्रिपाठी।